हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा के एग्ज़ामों से जुड़ी न्यूज़, भर्तियों से जुड़ी न्यूज़ आज आई है। और दोस्तों, अब HSSC जो वो सुपर फास्ट तरीके से काम करने लगा है। 28 तारीख को जिन भी भर्तियों के एग्ज़ाम हुए थे, जिन ग्रुपों के एग्ज़ाम हुए थे, उनकी आंसर की कल रात जारी कर दी गई है। तो एक बैठक हुई है दोस्तों, उसके बाद अब HSSC जो है ना बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से काम करेगा, रिजल्ट पे रिजल्ट जो है जारी करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी भर्तियों पर आयोग और अफसरों के साथ की है बैठक। ग्रुप सी पदों पर भर्ती पहले होगी, जैसा कि कल दिन से ही आपने देखा होगा, जो अपने निनाणा खास गाँव में मनोहर लाल जी पहुँचे थे और वहाँ से उन्होंने घोषणा की थी कि ग्रुप सी भर्तियों के पहले रिजल्ट जारी किए जाएंगे, उसके बाद ग्रुप डी पदों पर भर्ती होगी। मनोहर लाल ने नौकरी की लाइन में लगे युवाओं को मेरिट मिशन पर भर्ती पर प्रदेश सरकार का जो फोकस रहेगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अफसरों की ग्रुप डी के 13,000 से ज़्यादा पदों की रिक्त संख्या अपलोड करने के लिए मीटिंग ली। तो जितने भी और ज़्यादा रिक्त पद हैं दोस्तों, जो खाली पोस्ट हैं, उन सभी को जो है ना एक तरीके से ये कहें कि वैकेंसी भी इसमें बढ़ सकती भी जो है ना, ये एक मीटिंग ली है। सभी डिपार्टमेंट से भी एक बार फिर से पूछा जाएगा उनके यहाँ कितने वैकेंसी खाली हैं। ये चंडीगढ़ के अंदर ये बैठक हुई दोस्तों। सरकार का भर्तियों पर कितना फोकस है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा जा सकता कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या अपलोड कराने के लिए अफसरों के साथ मीटिंग की। चूँकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के 13,657 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रखी है, मगर अभी तक ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या पूरी तरह से अपडेट नहीं है, इसलिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने, क्योंकि दोस्तों देखिए, ग्रुप डी का अभी नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं हुआ है, तो नोटिफिकेशन जैसे आएगा अलग अलग पोस्ट आएंगी और अभी इसमें बहुत काम बाकी है। तो इस तरीके के लिए ये जो ना जो एक तरीके से हम कहें बैठक हुई थी कि सभी डिपार्टमेंट अपनी पोस्ट भेजें, प्रेफरेंस भेजें, कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो उसके लिए बैठक हुई है। इसके बाद अधिकारियों को जो ना दोस्तों, जिले में कार्यरत ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या को भी 3 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। सरकार ने इस संबंध में मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी मनोनीत किया है। और साथ ही मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी के लगभग 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें भी भिन्न विभाग बोर्ड निगम के लगभग 500 पद भी शामिल हैं। इसके लिए विभागों द्वारा आयोग को मांग पत्र भेजा गया है। इन कर्मचारियों का कॉमन कैडर रहेगा और विभिन्न विभागों या जिलों में इनको लगाया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा आयोग को पहले से भेजी गई मांग को ही दोबारा भेजना सुनिश्चित करें और विभागों द्वारा मांग पत्र भेजे गए पदों की संख्या जितनी पहले से जितनी होनी चाहिए थी, अगर पदों की संख्या बढ़ी है तो उसे भी संशोधित कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपके वहाँ पर दोस्तों पोस्ट की और ज़्यादा जरूरत है, तो ये बिल्कुल श्योर बताया गया कि पोस्ट की संख्या इसमें बढ़ाई जा सकती है, संशोधित यानी कि पोस्टों की ब्यौरा डिटेल उनको इस पोर्टल पर अपलोड करनी है। इस बार HKCL द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से पहले ही पद का नाम प्रत्येक जिले में पद नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। इस अवसर पर विकास पंचायत के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुरेश राजसव, आपदा अनेक अधिकारी मौजूद थे और जो ना सख्ती से ये बात कई बताई गई है दोस्तों। बात आगे देखते हैं। पुलिस सिपाही के 6,000 पदों के विज्ञापन का इंतजार, नए CET का भी इंतजार है। दरअसल पिछले 3 साल से ग्रुप डी पदों पर कोई भर्ती नहीं हो पाई है, सी और डी पदों पर ही मान के चलिएगा, तो पहले से विज्ञापित पदों पर अभी चयन हुआ है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगी हुई है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि अगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का अदालत से फैसला नहीं आया तो इन अंकों के बगैर ही उस सीमा तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक इसके मानदंड के अंक हैं। CET लागू होने के बाद भर्तियां न होने से युवा परेशान हैं और भर्तियों में हो रही देरी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग की, मगर युवाओं को हरियाणा पुलिस सिपाही के 5,000, महिला पुलिस सिपाही के 1,000 पदों के विज्ञापन का भी इंतजार है। 2 साल से पुलिस सेवा नियमों में संशोधन नहीं हो पा था और आखिर में ये LR के पास पहुंच गए थे। अब इनमें जैसे ही दोस्तों अधिसूचित वगैरह हुए हैं, DGP कार्यालय को 6,000 पत्रों का आग्रह भेजा है। सिपाही की इस भर्ती में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों में 3 साल की छूट दे दी है, जैसा कि काफ़ी दिनों से दोस्तों इस पर जो है बहस एक तरीके से चल रही थी। ऐसे में लाखों युवा हैं जो ग्रुप डी की CET का इंतजार या ग्रुप सी के नए CET का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि CET के बगैर अब ग्रुप सी और डी की कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें हो सकता है कि इस पॉलिसी में बदलाव किया जाए, इसमें बहुत सारी रुकावटें अभी जो ग्रुप में हैं। हरियाणा सरकार के
रिक्त पदों पर भर्तियों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल कमान अब अपने हाथ में ले लिए दोस्तों। नौकरी लाइन में लगे मेरिट मिशन पर भर्ती करने का पूरा फोकस किया है। मीटिंग में भर्ती की टाइमलाइन के बारे में विचार विमर्श किया। साथ में आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खदरी सदस्यों अधिकारियों के साथ बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि यदि वह ग्रुप सी पदों पर पहले भर्ती होगी उसके बाद ग्रुप डी पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 32,000 और टीजीटी के 7771 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रखी है और ग्रुप डी के 13,657 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की हुई है। ग्रुप के 63 ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप सी में जैसा कि आपको पता है बहुत सारे ग्रुपों का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी ग्रुप संख्या में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं भी जिनके एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहे हैं। इस बीच ग्रुप डी का भी सीईटी हुआ और अब उस सीईटी के रिजल्ट का जो एक तरीके से कहें सीईटी के रिजल्ट का इंतज़ार है और उसी आधार पर यह भर्तियाँ होनी हैं। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनके ग्रुप डी में अच्छे नंबर है और ग्रुप सी में भी अच्छे हैं, तो ऐसे में दोस्तों ग्रुप सी में चयन होने के संभावना उनकी ज़्यादा है। अगर पहले ग्रुप डी का रिजल्ट निकालेंगे तो वे उसमें लेंगे, इसलिए जो है ना यही जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले ग्रुप सी के जो है ना चयन सूची जारी की जाएगी ताकि वो अच्छे नंबर वाला व्यक्ति जो ग्रुप डी में न जा सके। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर, अगर देखिए वही बात है जो मैंने रीजन बताएं कि जो सी वाला है अगर पहले डी ग्रुप की भर्ती करते हैं तो बात सीधी सी मनोहर लाल ने कल यही बयान में कहा था कि सी ग्रुप की भर्ती पहले की जाएगी, नहीं तो जो बंदा सी में लगना है वो डी में लग जाएगा और एक दूसरे व्यक्ति की नौकरी वो ले लेगा और फिर उस नौकरी को छोड़ेगा जब सी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए बच्चे हुए ग्रुपों के एग्ज़ाम के बारे में बताया है कि उन्होंने बताया कि ये एग्ज़ाम भी 18 से 20 दिन में हो जाएंगे। तो मेन न्यूज़ दोस्तों यही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भर्तियों पर फोकस हो गया है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे भी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।